हमारे से 24 फीट का निशान लगाया गया है। ये 24 फीट का निशान पहली कटिंग हो चुकी थी, दूसरी कटिंग के लिए दोबारा निशान लगाया गया 24 फीट। और इसकी कटिंंग के लिए छतों के ऊपर देख सकते हैं बजरिया लेबर या ड्रिल मशीन के ज़रिए इसको काटने का अमल जारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जावेद कमर और इस वक्त मैं मौजूद हूं लियाकताबाद FC एरिया। और यहां पे देख सकते हैं इंक्रूचमेंट ऑपरेशन का अमल तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और ये इलाका मुकम्मल तौर पर FW के हवाले मॉडर्न नाले की तामीरात के लिए किया जा चुका है। यहां पे नाले की कटाई के लिए, नाले में वसत देने के लिए, इसकी सफाई के लिए वर्किंग इस वक्त की जा रही है। तो ये सूरत हाल आपको दिखा रहा हूँ मैं बजरिया मशीनरी FW की निगरानी मॉडल नाले की तामीरात के लिए यहाँ पे वर्किंग जारी है। और ये मलबे वलबे जो निकले हुए हैं इसे बजरिया डंपर मतवादी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। कटाई इसकी वसत में इजाफा करने के लिए वर्किंग भी जारी है। और आगे देख सकते हैं मकानों के ऊपर लेबर भी मौजूद है, बजरिया लेबर भी वर्किंग जारी है। तो अभी मैं थोड़ा आगे चलता हूँ और आपको आगे की सूरतहाल से आगाह करूँगा। मेरे लेफ्ट साइड पर लियाकताबाद FC एरिया और राइट साइड पर नाजाबाद। बजरिया मशीनरी नाले की कटाई का काम भी जारी है और यहाँ पे इंक्रूचमेंट ऑपरेशन भी इस वक्त किया जा रहा है। 27 किलोमीटर तवील गुजर नाला जिसपे ऑपरेशन का तकरीबन 99% ऑपरेशन का इंक्रूचमेंट ऑपरेशन का काम मुकम्मल किया जा चुका है। और अभी कुछ मकामात पे थोड़े बहुत जो नाले से क्लोज कारखाने या इमारतें मौजूद हैं उसे मुनज़्ज़म करने के लिए वर्किंग जारी है। और 0 पॉइंट से लेके 380 ब्रिज तक तमाम मकाम पर FW के जरिए निगरानी मॉडर्न नाले की तामीरात के लिए वर्किंग भी जारी है। मुख्तलिफ पॉइंट पर मुख्तलिफ तरीके से काम किया जा रहा है। और दोस्तों देख सकते हैं इस हमारे से 24 फीट का निशान लगाया गया है। ये 24 फीट का निशान पहली कटिंग हो चुकी थी, दूसरी कटिंग के लिए दोबारा निशान लगाया गया 24 फीट। और इसकी कटिंग के लिए छतों के ऊपर देख सकते हैं बजरिया लेबर या ड्रिल मशीन के ज़रिए इसको काटने का अमल जारी है। 24 फीट मज़ीद इस हमारे को काटा जा रहा है। और मेरे राइट साइड पर देख सकते हैं बजरिया लेबर वर्किंग जारी है, छतों के ऊपर लेबर भी मौजूद है। इंक्रूचमेंट ऑपरेशन का ये आखिरी मरहला, 99% ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है और मॉडर्न नाले की तामीरात के लिए वर्किंग जारी है। देख सकते हैं ये गुजर नाले के मनाजिर, इसकी चौड़ाई, इसकी वसत देने के लिए यहाँ पे वर्किंग की जा रही है। उसके बाद यहाँ पे मॉडर्न नाले की तामीरात के लिए कंस्ट्रक्शन वर्क का आगाज़ किया जाएगा। हमारे के छतों पर देख सकते लेबर मौजूद है और बजरिया लेबर इस वक्त इमारतों को मुनज़्ज़म करने के लिए वर्किंग जारी है। तो लियाकताबाद FC एरिया और नाजाबाद का ये इलाका है, इसके दरमियान में मैं मौजूद हूँ और यहाँ की सूरत हाल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस डंपर में फुजला लोड किया जा चुका है। अब ये डंपर मुतबादिल जगह कचरे को शिफ्ट करने के लिए ले जाया जा रहा है। उसके बाद मज़ीद दूसरा डंपर यहाँ पे आएगा और नाले का फुजला उसमें लोड करने के बाद यहाँ से मुतबादिल जगह फेंका जाएगा। तो ये वर्किंग जारी है FW के जरिए निगरानी और यहाँ पे इंक्रूचमेंट ऑपरेशन का अमल भी जारी है दोस्तों। आगे एक और मशीनरी मौजूद है, बजरिया मशीनरी भी यहाँ पे ऑपरेशन जारी है और बजरिया लेबर भी वर्किंग का यहाँ पे मकानों को मुनज़्ज़म करने के लिए वर्किंग की जा रही है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये वो मकान जहाँ पे इस पॉइंट तक, ये देख सकते हैं ये दीवार जो है इस पॉइंट तक मकान बना लिए गए थे
तो दोस्तों देख सकते हैं इस पॉइंट तक लोगों ने मकानात बनाए हुए थे। यहाँ से बाइक और यहाँ से किसी किस्म की सवारी का गुजरना तो दरकिनार पैदल चलना भी काफ़ी महाल होता था। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे इमारतों को मुनज़्ज़म करने के बाद ये रास्ते वागजार कराए गए और मज़ीद यहाँ पे वर्किंग की जाएगी ऑपरेशन के लिए। देख सकते हैं मशीनरी स्टैंड बाय है यहाँ पे। और ये इमारत जिस पर